नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजदीप सजवान और आज हम बात करेंगे टॉलीवुड के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की 10 सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बारे में। दोस्तों, जूनियर एनटीआर टॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार में से एक है और इनकी एक्शन फिल्मों को साउथ में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों, बात करें इनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की, दिन में सबसे पहले नंबर पर आती है इनकी फिल्म अरविंदा सिमथा राघवा। ये फिल्म 11 अक्टूबर 2018 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म में हमें मुख्य भूमिका में नजर आए थे जूनियर एनटीआर, पूजा हेगड़े, ईसा रब्बा और जगपति बाबू। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर थे त्रिविक्रम श्रीनिवास और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे एस राधाकृष्णा। इस फिल्म का कुल बजट 91 करोड़ था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 158 करोड़ की शानदार कमाई की थी। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती है इनकी फिल्म जनता गैराज। ये एक एक्शन और ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में हमें मुख्य भूमिका में नजर आए थे मोहनलाल, जूनियर एनटीआर, नित्या मेनन, सैमंता रुत परबा, उन्नी मुकुंदन। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर थे कोर्तला शिवा और फिल्म के प्रोड्यूसर थे नवीन परनली, वाई रविशंकर और सीवी रमन। ये फिल्म 1 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का कुल बजट 40 से 50 करोड़ था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 135.45 करोड़ की शानदार कमाई की थी। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आती है जूनियर एनटीआर की फिल्म जय लवकुश। इस फिल्म में तीन एक जैसे दिखने वाले भाइयों की कहानी को दर्शाया गया था। इस फिल्म में हमें मुख्य भूमिका में नजर आए थे जूनियर एनटीआर, निवेदा थॉमस, राशि खन्ना और हमसा नंदिनी। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर थे के एस रविंद्र और फिल्म के प्रोड्यूसर थे नंदमुरी कल्याण राम। इस फिल्म का कुल बजट 50 करोड़ था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 120 करोड़ की शानदार कमाई की थी। दोस्तों, चौथे नंबर पर आती है एनटीआर की फिल्म नत्रकू प्रेम तो। ये फिल्म 13 जनवरी 2016 को रिलीज हुई थी। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में हमें मुख्य भूमिका में नजर आए थे जूनियर एनटीआर, रकुलप्रीत सिंह, राजेंद्र प्रसाद और जगपति बाबू। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर थे सुकुमार और फिल्म के प्रोड्यूसर थे BVSN प्रसाद। इस फिल्म का कुल बजट 50 करोड़ था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 58 करोड़ की ठीक ठाक कमाई की। दोस्तों, पांचवें नंबर पर आती है जूनियर एनटीआर की फिल्म टेम्पर। ये फिल्म 13 फरवरी 2015 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म में हमें मुख्य भूमिका में नजर आए थे जूनियर एनटीआर, काजल अग्रवाल, मधुरिमा और प्रकाश राज। इस फिल्म के डायरेक्टर थे पुरी जगन्नाथ और फिल्म के प्रोड्यूसर थे वंदना गणेश। इस फिल्म का कुल बजट 35 करोड़ था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 74 करोड़ की अच्छी कमाई की थी। छठे नंबर पर आती है इनकी फिल्म बादशाह। ये फिल्म 5 अप्रैल 2013 को रिलीज हुई थी। ये एक एक्शन और कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म में हमें मुख्य भूमिका में नजर आए थे जूनियर एनटीआर, काजल अग्रवाल, ब्रह्मानंद और नवदीप। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर थे श्रुनी वेतला और प्रोड्यूसर थे वंदना गणेश। इस फिल्म का कुल बजट 56 करोड़ था, इसने बॉक्स ऑफिस पर 74 करोड़ की अच्छी कमाई की थी। दोस्तों, सातवें नंबर पर आती है इनकी फिल्म रमैया वस्तामैया। ये फिल्म 10 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में हमें मुख्य भूमिका में नजर आए थे जूनियर एनटीआर, श्रुति हसन, सैमंता रुत परबा और पीवी शंकर। इस फिल्म के डायरेक्टर थे हरीश शंकर और प्रोड्यूसर थे कुमार तरुणी। इस फिल्म का कुल बजट 40 करोड़ था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ की शानदार कमाई की थी। दोस्तों, आठवें नंबर पर आती है इनकी फिल्म दामू। ये फिल्म 27 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म में हमें मुख्य भूमिका में नजर आए थे जूनियर एनटीआर, त्रिशा और कार्तिका। इस फिल्म के डायरेक्टर थे बोयापति श्रीनु और फिल्म के प्रोड्यूसर थे के ए बालाबा। इस फिल्म का कुल बजट 30 करोड़ था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 90 करोड़ की कमाई की थी। दोस्तों, नौवें नंबर पर आती है इनकी फिल्म अदृश्य। ये फिल्म 13 अप्रैल 2010 को रिलीज हुई थी और इसमें फिल्म में हमें मुख्य भूमिका में नजर आए थे जूनियर एनटीआर, नैनतारा, ब्रह्मानंद और शीला। इस फिल्म के डायरेक्टर थे वीवी विनायक और फिल्म के प्रोड्यूसर थे वालम बानी। का बजट 20 करोड़ था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कमाई की थी। दोस्तों, दसवें नंबर पर आती है इनकी सुपरहिट फिल्म सिम्मादारी, जो कि हिंदी में यमराज एक फौलाद के नाम से रिलीज हुई थी। इस फिल्म में हमें मुख्य भूमिका में नजर आए थे जूनियर एनटीआर, भूमिका चावला, अंकिता और एम नस्सर। इस फिल्म के डायरेक्टर थे एस राजामौली और फिल्म के प्रोड्यूसर थे वी विजय कुमार वर्मा।